दोस्तों नमस्कार, न्यू ट्रेडर्स डेली हेल्प में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र यादव, बैंक निफ्टी प्रोडक्शन। आज बैंक निफ्टी ने अच्छा काम किया और निफ्टी ने भी अच्छा काम किया। देखिए, ये है आज की 26 तारीख, एक सेकंड। आज की तब 26 तारीख है ये। अरे एक सेकंड, हाँ ठीक, ओके। ये 26 तारीख, ये 5 मिनट का चार्ट देखो। बैंक निफ्टी ओपन होते ही नीचे की तरफ आती है और ओपन हुई है 42,700 के आसपास और इसने लो लगाया है 42,100, लगभग 600 पॉइंट का आज इसने मूव किया है पुट साइड। तो माला माल तो था ही आज। निफ्टी ने भी ऐसे ही किया है। देखिए, यहाँ के बाद जो बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आई, फिर ऊपर नहीं गई है, जरा सा भी ऐसा भी नहीं करी है, बस नीचे सस्टेन, ठीक है ना। फिर इसके बाद यहाँ पे ये सस्टेन किया, इसका कोई वैल्यू नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन बस इतने तक का। ये यहाँ से यहाँ तक में 600 पॉइंट का लगभग मूव है बैंक। ये देख लो 15 मिनट के चार्ट पे, देखो आप 15 मिनट के चार्ट पे कैसा है। ये है 26 तारीख का, ये तो सस्टेन, यहाँ कुछ नहीं है, ये बेकार है, ये बस इतने तक देखना है आपको। बहुत बढ़िया काम किया है कल से, तो कल भी था ऐसे, एकदम नीचे आ रही है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं वनडे में देख लो, हमारे को क्लोजिंग मिली है 42,280 और लो इसने लगाया है ये 42,50 होगा, 42,100 करीब है ये, 42,100 तक का है। और ये देख लो, ये है, आपको दिखा देता हूँ, देखो ये सपोर्ट था, अब अगला सपोर्ट ये है 4200, ये 4200 देख लो। और अगर इसने 4200 को ब्रेक कर दिया तो फिर 4100 आएगा सपोर्ट, एक सी गड़बड़ हो रहा है, देखो अगर इसने इसको ब्रेक किया तो ये आएगा अपना सपोर्ट, तो ये देखो 4200, फिर इसके बाद ये होगा 42,500 के आसपास में। थोड़ा क्या है, ऐसे खींचने में थोड़ा सा हाथ ऊपर नीचे हो रहा है। ये देखो यहाँ पे सस्टेन किया है और यहीं पे सपोर्ट लेगा, 42,200 है, अगर इसने 42 को ब्रेक किया तो नीचे आएगा। और अगर ये ऊपर भी जाएगी, ये तो हो गया, और एक दिखा देता हूँ आपको, तीन आपको मैं, ये आएगा 42,100, ये तीन सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस आपको दिखा देता हूँ, देखो ये कहाँ गया, ये है, यहाँ पे आएगा, ये आएगा पहला रेजिस्टेंस, लगभग आएगा 42,500 का, फिर इसके बाद
ऊपर थोड़ा सा गैप ज्यादा है, और ये 43,000 का जो है, ये जो 43,000 का है ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट आएगा, फिर इसके बाद में 43,500। तो चाहे बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी चाहे नीचे जाएगी, काम अच्छा करेगी, वर्क अच्छा करेगी, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, अब ध्यान रखना है। कल मैंने आपको बोला था कि कॉल साइड जो है थोड़ा सा सावधान रहना है, पुट साइड के लिए अच्छा काम अच्छा वो है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कल हम लोग बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे, 5 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं। कल देखिए थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी 10 मिनट के अंदर में निपटाने का, लेकिन हो नहीं पा रहा है क्योंकि तीन तीन चार्ट का एनालिसिस करना थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। ये हो गया 42,100, ये है सपोर्ट, ये जो लो है, और ये देखो 42,200 से लेके और ये 42,300। अगर इसके बीच में बैंक निफ्टी ओपन होता है, इसके बीच में ओपन हो और ऊपर जाए, बस थोड़ा सा प्रोजेक्शन बनाए, और फिर देखो ये बड़ा थोड़ा सा क्या है ना, नज़दीक नज़दीक है तो आपको, लेकिन इसको मत ध्यान दो आप, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो, थोड़ा सा ऊपर जाए 20-30 पॉइंट का, फिर ये प्रोजेक्शन बनाए, और फिर जैसे ये इस स्विंग के ऊपर निकलेगा तो यहाँ पर हम लोग एंट्री लेंगे, और ये सपोर्ट जो है ना ये हमारा एसएल होगा, ये हमारा एसएल होगा सपोर्ट, और हमारा टारगेट पहला टारगेट होगा 42,288,300, पहला टारगेट हमारा होगा 42,400, दूसरा होगा 42,500, तीसरा होगा 42,500 हो गया, ये 42,600। ये जो 100-100 का आंकड़ा होता है तो कभी 100 के आंकड़े पे पहुंचता नहीं है, कभी ऊपर 10-5 पॉइंट रहेगा, कभी 10-5 पॉइंट ऊपर नीचे रहेगा। अगर ये पुट साइड यहाँ से आएगा तो जैसे ये 42,200 को ब्रेक करके थोड़ा सा एक प्रोजेक्शन बनाएगा यहाँ पे, ऐसे जैसे ये सस्टेन कर रही ना, अगर ये ऐसे सस्टेन करे 10-15 मिनट आधा घंटा, तो सस्टेन करके जैसे नीचे आएगा और ये 42,200 को ब्रेक करेगा तो हम लोग यहीं पे एंट्री ले लेंगे। अगर ये सस्टेन करके नीचे आएगा तो हम तो ऐसे एंट्री ले लेंगे, अगर ये आधा घंटा एक घंटा ये से सस्टेन करता है फिर नीचे की तरफ आता है तो सीधा एंट्री लेना है हमको, तो 42,200 के बाद हम एंट्री ले लेंगे। लेकिन अगर ये यहाँ से आया, पहली कैंडल ओपन हुई फिर कैंडल नीचे आई, फिर दूसरी कैंडल अगर इसने 42,200 को ब्रेक किया तो हम इंतजार करेंगे कि ये एक बार वापस जाए और एक स्विंग बना दे, स्विंग बनाएगा तब हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, स्विंग को जब ब्रेक करेगा तब। तो 42,200 को तो पहला टारगेट हमारा होगा पुट साइड का पहला टारगेट होगा 42,100, ये होगा 4200 और 41,900, ये हमारा फ्लैट पे पुट साइड का है। और अगर ये गैप अप ओपन हुई तो देखो, गैप अप ओपन होने का मतलब है कि अगर ये बैंक निफ्टी 42,500 के आसपास, ये 42,500 के ऊपर 42,600 में यहाँ पे कहीं ओपन हो जाए तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे ओपन हो जाती है, अगर ये सस्टेन करेगी ऐसे, सस्टेन करके ऊपर जाए यहाँ 30-25-30 पॉइंट का एक स्विंग बना दे तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे हमारा, और अगर सस्टेन नहीं करती सीधा गई तो स्विंग बनाए, अगर यहाँ पे सस्टेन कर ले एक आधा घंटा सस्टेन करके तब ऊपर जाती है तो फिर हमको स्विंग की कोई ज़रूरत नहीं, हम एंट्री मार लेंगे इसके सपोर्ट के ऊपर, जो स्विंग का एरिया होगा ना, जैसे ये स्विंग है, ये स्विंग के ऊपर जो इसका रेजिस्टेंस होगा इसको जैसे ब्रेक करेगी हम एंट्री मारेंगे। तो हमारा टारगेट क्या होगा, ये कॉल साइड का 42,700, 42,800 और 42,900, ये हमारा टारगेट होगा। अगर नीचे आया तो हम क्या करेंगे, नीचे भी हमको बस सेम है, अगर ये इसने सस्टेन करके नीचे आया तो हमको स्विंग का इंतजार नहीं करना है,
अगर ऐसे डायरेक्ट आ रहा है एक कैंडल के बाद दूसरा कैंडल नीचे की तरफ आ ही रहा है, तो हम ये 42,500 का जो है ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट के नीचे एक स्विंग का इंतजार करेंगे। अगर ये स्विंग बना देती है तो हमारा ये स्विंग जो है एंट्री का पॉइंट होगा, और ये जो हमारा ये रेजिस्टेंस बन जाएगा सपोर्ट, ये हमारा एसएल होगा। और हमारा टारगेट पहला टारगेट ये होगा, देख लो ये 42,400, और फिर दूसरा टारगेट 42,300, और तीसरा टारगेट 42,200। ये तीन टारगेट होंगे, जाने को तो ऊपर नीचे और भी जा सकती है। अगर ये गैप डाउन हो गई, अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाती है 42,100 से 42,200 के बीच में, तो हम क्या करेंगे, तब हमको यहाँ पे वही सस्टेन करे तो सीधा ऊपर जाए, यहाँ पे एक स्विंग बनाए, स्विंग बना के फिर ऊपर जब जाएगी तो हमारा पहला टारगेट ये होगा 4200। ये 42,000 हमारा पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट होगा 42,100, और तीसरा टारगेट होगा 42,200। ये हमारा कॉल साइड का है, पुट साइड का हमारा होगा, देखो यहाँ से जब नीचे आएगा तो ऐसा स्विंग बनाएगा, तो ये स्विंग हमारी एंट्री होगी, और ये सपोर्ट, ये जो रेजिस्टेंस बन जाएगा सपोर्ट है जो बाद में रेजिस्टेंस बन जाएगा, और हमारा पहला टारगेट होगा 41,900, दूसरा होगा 41,800, और तीसरा होगा 41,700। तो ये हमारा पुट साइड का टारगेट होगा। दोस्तों ये हमारा बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन है, आप लोग इसको देखिए, सीखिए, समझिए, और अपने रिस्क रिवार्ड के साथ में ट्रेड करिए। देखिए वीडियो को मैं छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी देखिए 12 मिनट हो गया है, तो आज हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में कल फिर, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।